हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएसटी सीटी का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया बना होगा। कुछ बच्चों का बहुत बढ़िया बना होगा, कुछ बच्चों का थोड़ा कम बना होगा। ठीक है, तो आपको निराश नहीं होना है। क्या चीजें मैं जो चीजें बताऊंगा आपको, वो आपको ध्यान से सुननी है। ओके, वो सुनोगे तो आप गारंटेड बेस्ट कॉलेज में एडमिशन आप ले पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी आपका रिजल्ट लग गया, ठीक है, रिजल्ट के बाद क्या क्या होने वाला है। ओके, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एफसी सेंटर कब जाना पड़ेगा, कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, सारी एक 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 चीजें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाऊंगा। ठीक है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ओके, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार चैनल पे आए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला सकूं, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, फार्मेसी के हो या एग्रीकल्चर के हो। ओके, और जिनके कम परसेंटेज बन गए यार, ओके, उनको अभी भी निराश नहीं होना, आपको अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनानी है। 50% आपका काम होता है कॉलेज लिस्ट बनवाना। और जिनके अच्छे आ गए, बहुत ही अच्छे आ गए, आपको ज्यादा खुश नहीं होना यार, अभी भी आपका 50% काम बाकी है, वो है आपके अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनवाना। ठीक है, तो काउंसलिंग का फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है यार, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करोगे 24 आवर के अंदर अंदर मेरा काउंसलर आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा वाया व्हाट्सएप। ओके, उसके बाद आपको 7-8 दिन में एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, कॉलेज लिस्ट, वो आपके मार्क्स परसेंटाइल कैटेगरी के एकदम इफिशियंट कॉलेज लिस्ट होगी। ठीक है, सब चीजें देखेंगे मेरा काउंसलर्स, पहले एनालाइज करेंगे पूरा डाटा आपका, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एनटी हो, आपका कोई कोटा है क्या आपके पास, ठीक है, या आपको मेन से एडमिशन लेना है, एडवांस से। ओके, सारा आपका जो डेटा है, ओके, कितने परसेंटाइल बने, सब चीजें आपके एनालिसिस होगी और उसके बेसिस पे एक डिटेल कॉलेज लिस्ट बनेगी, वो कॉलेज लिस्ट आपको कैपराउंड में डालनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दो। ओके, उसकी थोड़ी फीस रखी है यार मैंने, ओके, जो कि मुझे काउंसलर्स को देनी पड़ती है, ओके, थोड़ी सी फी रखी है मैंने उसकी। तो अभी देखते हैं हम डिटेल प्रोसेस, ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें होने वाली है। ओके, अभी रिजल्ट लग गया, रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है, सारी चीजें देखने वाले। ओके, और एक चीज याद रखो यार, लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के, और ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो बेस्ट कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे, एक ही चीज की गलती कर दी, कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई। तो इसके ऊपर अच्छे से सोचना, ठीक है, अगर आप खुद बना सकते हो, कैपेबल हो, तो खुद बनाना, अगर आपको 350 कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन है इंजीनियरिंग की, तो खुद बना लेना। ओके, सो अभी चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आखिरी में मैं मिलूंगा, थोड़ा सा कुछ बताना है आपको, ठीक है, तो प्लीज आखिरी तक रुकना। ओके स्टूडेंट, अभी हम पूरे एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे। ओके, कि पहले ये होगा आपका, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ओके, हर एक स्टेप को हम समझेंगे कि पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ओके, कैप राउंड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, हर एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। ओके, हर एक स्टेप को लिखा है मैंने, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारे स्टेप्स आप मिस कर जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, सीटी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कब आने वाला है इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, मैंने सिर्फ प्रेडिक्शन दिया है कि अक्टूबर एंडिंग तक रिजल्ट आ सकता है आपका, ये मैंने प्रेडिक्शन बताया आपको। ओके, तो अभी इस स्टेप को बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, इस स्टेप को बताने का यही उद्देश्य है कि जो आपका रिजल्ट कार्ड रहेगा और जो एडमिट कार्ड रहेगा उसको आपको संभाल के रखना है, अगर आप उसको मिस कर देते हो या फिर कहीं पे भूल जाते हो तो आपके एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको दिक्कतें फेस करनी मिलेगी। एडमिट कार्ड कौन सा, जब आप एग्जाम में गए थे जो एडमिट कार्ड था आपका, एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड, वो आपके पास रखना है आपको, ठीक है, संभाल के एक फाइल बना लो अभी। ओके, ये फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड स्टेप क्या है हमारी, एडमिशन कार्ड, एडमिशन का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन सिर्फ आपको ही आएगा क्या, नहीं, सबको आएगा, उसके ऊपर जब आ जाएगा तब अपना वीडियो आ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन कहाँ पे आएगा, सीटी सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप रिजल्ट वगैरह चेक करते होंगे, ओके, या एडमिट कार्ड चेक करते होंगे, वहाँ पे वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, फिर आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाके फॉर्म फिलअप कर देना, जो जो चीजें मांगेंगे वो फिलअप कर देनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले जाना था आपको एफसी सेंटर में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपके पास ओबीसी है क्या, नहीं, एनसीएल है क्या, नहीं, डोमिसाइल है या नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, हाँ सही है या गलत है या फिशी है आपके, मतलब या फेक है आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, गवर्नमेंट चेक करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स। क्या हमें एफसी सेंटर पे जाना पड़ेगा, देखो लास्ट ईयर नहीं जाना पड़ रहा था क्योंकि लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक बहुत ज्यादा था, इस साल चेंज हो सकता है, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, इस साल शायद आपको एफसी सेंटर भी जाना पड़े या शायद आपका ऑनलाइन भी हो जाए, इस बार कोई नहीं कुछ बता सकता, ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, मुझे लगता है कंडीशन अच्छी हो गई कोविड की तो शायद एफसी सेंटर में होगा। ओके,
स्टेप फोर जो होती है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब आपकी वहां पे आपकी रैंक पता चलती है कि हाँ यार आपकी इतनी इतनी रैंक आई है, ठीक है। आपका ओबीसी है या नहीं, आपका नॉन क्रिमिनलर है या नहीं, आपके पास ईडब्ल्यूएस है या नहीं, जो आपने फिल किया था पहले लास्ट स्टेप में, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेप में जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी, वो आपको रिफ्लेक्ट होगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके समझ जाएगा हाँ मेरे पास ये है ये है ये है। आपको अगर लगा कि मेरे पास ओबीसी है लेकिन मेरा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है ग्रेवेंसेस, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास ओबीसी है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए ग्रेवेंसेस कैसे फिल करना है वो सीईटी सेल की नोटिफिकेशन में आ जाएगा आपको। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा चैनल पे तुरंत वीडियो आ जाएगा कि हाँ ये है आपका ऐसा ऐसा आपको ग्रेवेंसेस फिल करने हैं, ठीक है। लेकिन कब आएगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे, ओके, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि हाँ यार ये मेरा ओबीसी है नहीं आया, यहाँ पे मेरी रैंक इतनी दिखा रही, आनी तो इतनी चाहिए, यहाँ पे मेरे परसेंटाइल इतने दिखा रहे लेकिन पहले रिजल्ट में तो इतने आए, सारे चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, बाद में क्या आएगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कि हाँ आपके ये है परसेंटाइल है आपकी इतनी इतनी रैंक आई है, ठीक है। फाइनल रैंक आपकी दिख जाएगी वहां पे कि वही आपकी फाइनल रैंक होगी, जो आपने ग्रीवेंसेस में चेंजेस किए होंगे वो आप ही रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, कि हाँ आपके चेंजेस हो गए, आपके पास ओबीसी था लेकिन हमने प्रोविजनल में नहीं दिखाया था, अब फाइनल में आपका दिख जाएगा ओबीसी, ठीक है। समझ गए यहां तक, 6 स्टेप तक समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो मैसेज कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझा, मैं फिर से कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ओके। नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, फिर आएगा आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कि हाँ भाई आपको अभी कॉलेज फिल करना है। कॉलेज कहाँ से फिल करोगे, मैं जो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा आपको वही कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड फिल करनी है आपको, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर आपकी कॉलेज लिस्ट कहाँ से मिलेगी, मुझे कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी यार, वहाँ पे वो फॉर्म भर दो, ठीक है। थोड़े बहुत चार्जेस है उसके लिए, क्यों चार्जेस रखे, क्योंकि एक पूरी टीम बिठाई यार, वो टीम आपका ये फॉर्म कॉलेज लिस्ट आपको बना के देगी। उस टीम में ऐसी क्या खासियत है, उन्होंने 10 साल से लास्ट 10 ईयर से वो काउंसलिंग कर रहे हैं प्लस, ठीक है, आपके मार्क्स आपके परसेंटाइल आपके रैंक आपके ओबीसी हो यानी एनसीएल हो यानी स्पोर्ट्स कोटा है यानी गर्ल्स कोटा है यानी आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है, सब चीजें देख के आपको एक इफिशियंट 40-50 कॉलेजेस की आपको लिस्ट बना के देंगे, जो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी कि वो कॉलेजेस अगर आपने डाल दिए तो आपको वो मिल जाएंगे, ओके। मैंने गूगल फॉर्म में यह तक पूछा है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, अगर वो कॉलेज आपको मिल रहा है तो वो कॉलेज भी आपका वहां पे होगा, ठीक है। आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, क्या सर ये चीज फार्मेसी के लिए भी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है ये चीज, आपको फार्मेसी के लिए भी अवेलेबल है, ओके। मुझे पता है बाकी क्रिएटर्स भी ये चीज शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले काउंसलिंग मैंने लाया था यार, ओके, लास्ट बैच में उसकी लास्ट बैच में भी मैंने काउंसलिंग की थी, लेकिन वही चीज़ अभी कॉपी करने लगी यूट्यूबर्स। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो बंदा काउंसलिंग कर रहा है वो खुद टीचर है, यानी मैं कौन हूँ यार, मैं एक टीचर हूँ, आई आई टी जेई का केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप मुझे जाके अन अकेडमी पे देख सकते हो, ओके। ऑफलाइन में मैंने काम किया है, अगर आप किसी से करवा रहे हो किसी से कॉलेज लिस्ट बनवा रहे हो तो ये जान लो कि वो खुद एक टीचर है या नहीं, खुद को एक्सपीरियंस है क्या नहीं, पढ़ा तो रहा है ना कम से कम, नहीं तो कॉलेज के बच्चे भी आजकल शुरू कर देते हैं ये सब चीज़ें, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ओके। तो मैं जो कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करूंगा वो आपको यहाँ पे फिल करनी है स्टेप नंबर 7 में, ठीक है। जो मैं फॉर्म फिलअप करने वाला आप फॉर्म फिलअप करने वाले हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है उससे फायदा क्या क्या होगा, ये पूरी जो एडमिशन प्रोसेस होगी ना उसके दौरान अपना जो काउंसलर रहेगा ना मेरी टीम का जो काउंसलर आपको 24 आवर्स हेल्प करेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपको मिल नहीं रहा है कैसे निकाले सर, काउंसलर से पूछ लो, काउंसलर 24 आवर है कि नहीं आपके साथ, वो आपको एक सपोर्ट की तरह आपके तरह आपके साथ काम करेगा। तो आपको इन सब चीजों की ध्यान रखते हुए ये कॉलेज लिस्ट बनवानी है, ओके। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ फाइनल एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट, फिर आपको आ जाएगा कि हाँ कॉलेज लिस्ट में से मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया, फिर आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको ये कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, या बेटरमेंट करना है, बेटरमेंट मतलब इससे बेटर कॉलेज के लिए आपको जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर कन्फर्मेशन करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए तो फ्रीज कर लो, नहीं चाहिए फ्लोट कर लो, फ्लोट करना फ्रीज एंड फ्लोट पे डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फ्रीज और फ्लोट पे डिटेल वीडियो आ जाएगा। फ्रीज और फ्लोट मतलब क्या, फ्रीज मतलब हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए कन्फर्म कर दो मेरा सीट बुक कर लो, फ्लोट मतलब नहीं मुझे और बेटर कॉलेज चाहिए तो सेकंड राउंड के लिए फिर से आपको कॉलेज लिस्ट भरनी पड़ेगी, क्या नहीं वही कॉलेज लिस्ट आपको ऑटोमेटिक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंजेस चाहिए उसमें तो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक ही कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करूंगा लेकिन वो द बेस्ट कॉलेज लिस्ट होगी, और उस कॉलेज लिस्ट में आपको कोई भी डाउट आया आप काउंसलर से पूछ लो, है कि नहीं। नेक्स्ट हो गया आपका कैप राउंड 2, कैप राउंड 2 में आप कॉलेज लिस्ट एडिट कर सकते हो, ओके।
नेक्स्ट जो स्टेप वो फाइनल स्टेप, उसमें क्या होगा, आपको कॉलेज को जाना पड़ेगा, फीस पे कर दो, आपका एडमिशन डन कर लो, नेक्स्ट डे से आप कॉलेज चले जाओ। आई होप बेसिक से लेके यहाँ तक मैंने पूरे आपको स्टेप समझा दिए कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे स्टेप्स होने वाली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जेन्यूनली अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लो, डाउट पूछ लो यार, डाउट पूछने के मैं पैसा नहीं लेता, ठीक है, डाउट पूछ लो, ओके। कुछ लोग तो वो भी कर रहे हैं, डाउट पूछने के भी पैसे ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, नॉलेज बांटने से बढ़ता है नॉलेज, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है, डिटेल मैंने समझा दिया, ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जो बच गई हमारी, ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी, ठीक है। सो ज़रूर इन सब चीज़ों को लिख लेना एक जगह, ओके, आप मिस कर दोगे चीज़ों को, इसीलिए सारी चीज़ों को लिख लेना है। और मैंने जो चीज़ बताई आपको काउंसलिंग की, उसके बारे में आपको ध्यान से सोचना है अभी, ठीक है, ध्यान से कॉलेज लिस्ट बनानी है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अभी आपके पास बहुत फ्री टाइम है, ठीक है, इसमें आपको जितने कॉलेजेस की रिसर्च कर सकते हो, काउंसलर से बात करो, ये सर ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, जितना रिसर्च कर सकते हो आप उतना रिसर्च करो, ठीक है। आप कॉलेजेस ढूंढो, नेट पे ढूंढो, यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, टॉप 10 कॉलेज पूरे चैनल पे डाल के रखे, टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस, सब चीजें, सब चीजों की इंफॉर्मेशन डाल के रखी, प्लीज जाओ, अभी टाइम है आपको वो सब चीजें देखने का, ओके। थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, आधा एक घंटा सब चीजें देखने में, लेकिन उससे आपका करियर में थोड़ा ना थोड़ा फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी यार आज के वीडियो में, अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा तो लाइक करो, आपके परसेंटाइल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।